ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखें ब्लरिश से जा रहा है, बड़ी खूबसूरत मोशन लग रही है, ऐसा लग रहा है ब्लरिश से। तो भाई इसके लिए आपने क्या करना है, दो काम करना है, पहले ये ब्लर यहाँ पे ऑन करना है जिस लेयर पे आप ब्लर करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये मास्टर ब्लर है, जब तक मास्टर ब्लर ऑन नहीं, देखें मास्टर ब्लर बंद कर दिया, ख़त्म हो गई ब्लरिश, मास्टर ब्लर ऑन किया ब्लरिश आ गई आपके पास। तो ये मास्टर ब्लर बहुत ज़रूरी होता है। अब इसी के अंदर ये नॉट्स दिए मैं, ये नज़र आ रहे हैं नॉट्स, मैं इस नॉट्स पे और इस नॉट्स पे अगर आप क्लिक करें, सॉरी नॉट्स हट गए, एक मिनट, नॉट्स ये आ गए नॉट्स। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक, क्या हो रहा है ये देखें, इसको मैं यहाँ से नॉट्स को पकड़ के मूव भी कर सकता हूँ, ये मैंने मूव कर लिया, फिर यहाँ पे भी नॉट्स क्या हो जाता है, कंट्रोल जेड कर, ये देखें एक ये रहा इसका और एक ये रहा, ये दोनों पकड़ के मैंने इसको मूव कर दिया। अब मेरी आपने देखा होगा ये पाथ चेंज हो गया, पाथ क्या हो गया चेंज। तो इस नॉट से पकड़ के आप पाथ कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब आप अपनी मोशन देख लें, अब जो मोशन होगी वो इस पाथ पे मूव करेगा, देख रहे हैं, ये देखें आप लेट सपोज अभी तो आपको नज़र नहीं आया होगा, आप बोलेंगे सर बहुत तेज चला गया ये, तो भाई एक काम करता हूँ इसको यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा ये स्लो वर्क करेगा लेकिन ब्लरिश वर्क करेगा। ये देखो अब ये जो मैंने पाथ दिया था ये उस पाथ पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पाथ बनाया मैंने, अब ये पाथ आप फोटोशॉप से भी, इलस्ट्रेटर से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप फोटोशॉप से कैसे पाथ बनाएंगे मैं बता रहा हूँ, लेट सपोज मैं फोटोशॉप खोलता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से भले चाहूँ, चलो इसको यहाँ रख दें, आपको मसला नहीं है, या इसको आप यहाँ से ये वाला हटा दें, बल्कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ पाथ बना रहा हूँ, फूल अभी हटा रहा हूँ, फूल का नहीं ले रहा हूँ, मैं एक पाथ बना रहा हूँ, कहाँ से बना रहा हूँ, फोटोशॉप से एक पाथ बनाता हूँ। तो यहाँ पे गए फोटोशॉप पे गए, बंद कर दिया था, मुझे बंद नहीं करना चाहिए था, और इसको ओके कर देते हैं और न्यू फाइल, ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडोब आफ्टर इफेक्ट की क्या साइज थी जब मैं ले रहा था, याद है 1920x1080 ना, 1920x1080 थी ना, यही तो यही साइज़ आपने फोटोशॉप में भी रखनी है वरना पूरी चीज़ गलत जाएगी। तो आप वो कैसे रखेंगी बताइए, कस्टम कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए, आपको कस्टम में जाएंगी और यहाँ से पिक्सल्स ले लेना बेटा, और इसको क्या लेना 1920 और वो क्या था बेटा 1080, और इसका यही था 250 था, वहाँ पर 300 था आई थिंक, 300 नहीं हाँ 300 था, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये यार मुझे तो वाइट में चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मुझे तो पाथ ही चाहिए ना, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ बेटा और मैं यहाँ पे एक पाथ बनाता हूँ। पाथ बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ, पेन टूल भी ले सकते हैं, लाइन टूल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैं इस वक्त लाइन टूल ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, और मैं शिफ्ट दबा के बनाऊँगा तो बेटा स्ट्रेट पाथ बनेगा। ये मेरा पाथ तैयार हो गया, लेकिन इस पर भाई स्ट्रोक वगैरह पता नहीं क्या क्या आ रहा है, फिल भी खुला हुआ है, फिल नहीं खुला होना चाहिए, तो फिल को यहाँ से बंद कर दो, फिल बंद हो गया, जैसे मैंने क्लिक किया एलो बटन दबाया फिल बंद हो गया। अब स्ट्रोक भी बहुत आ रहा है ना इसके ऊपर, तो इसका स्ट्रोक भाई आप बंद तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, ना नज़र कैसे आएगा। तो एक काम करो बेटा, इसको बंद करके ना एंटर कर दो, तो अब नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है पाथ तो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इस पाथ को थोड़ा अच्छा करना है, मतलब मैं चाह रहा हूँ इस पाथ पे कोई इफेक्ट्स आ जाए, ठीक है। तो इस पाथ को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए हम, एक इफेक्ट था हमारे पास फिल्टर में जाने के बाद, जिग जैगी इफेक्ट था, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था, एक जिग जैगी इफेक्ट होता है, ये रहा जिग जैग, जिग जैग इफेक्ट में चले जाएगा। अब इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें, अब यहाँ से ना इस जिग जैग पे जाने के बाद हमने क्या करना है, इसको कितना जिग जैग करना है, यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा जिग जैग हो रहा है, रिजेस ये इसके रिजेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से बहुत सारे इसके ऑप्शन है, अराउंड सेंटर से जिग जैग ही करना चाहते हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है ये वाला नहीं था, लेकिन ये दूसरा लग रहा है मुझे, एक और जिग जैग होता है इसके अंदर,
लेकिन जिग जैग था डिस्कॉर्ड में, और चेक करते हैं, चलें जिग जैग ही चेक कर लें या ट्विल चेक कर लूँ। ट्विल तो इस तरीके का हो जाएगा, ट्विल नहीं था, जिग जैग था। फिल्टर में जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद जिग जैग लेते हैं। अगर मैं इसको रीस्ट्रेस करता हूँ यहाँ से, अब देखिए ज़रा इसके रेजेस कितने चाह रहे हैं। ये सही, ये सही, इसको ओके कर दें। ये जिग जैगी बन गया। कैसा बन गया ये? जिग जैगी। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हुआ हुआ बाकायदा, कंट्रोल सी करना है। क्या करना है बेटा? कंट्रोल सी करना है, आफ्टर इफेक्ट में जाना है, और आपने क्या करना है बेसिकली, ये फूल दोबारा ले लें, आप फूल ले लें, क्या ले लें? फूल ले लें। फूल लेने के बाद इसको भले छोटा कर दें इस फूल को यहाँ से, और आपने फूल लेने के बाद पी का बटन दबाना है। किसका बटन दबाना है? पी का बटन दबाना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक नहीं करना, की फ्रेम पे क्लिक नहीं करना, पोजिशन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? पोजिशन पे। या दोबारा बता रहा हूँ, की फ्रेम पे क्लिक नहीं करना है, किस पे करना है? पोजीशन पे करना है। और कंट्रोल वी कर दें, अच्छा हाँ, कभी ऐसा होता है तो ये पुराना वर्जन है। ये कौन सा वर्जन है? पुराना। तो इसको आप क्या करो बेटा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास बढ़ाने का, उस बढ़ाने को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग। देखना एक्सपेंडिंग लिखा हुआ कहीं पर, यहाँ पर एक्सपेंडिंग टाइप में जाओ, एक्सपेंड लिखा हुआ नज़र आ रहा, एक्सपेंड करना पड़ता है हमें। एडिट में जाते हैं, एक्सपेंड लिखा हुआ कहीं, एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड, सेलेक्ट एंड मास, फोकस आ गया, लोड आ गया, टाइप आ गया यहाँ पे लोड, और क्रिएट लेयर। एक्सपेंड नहीं आ रहा ना, यहाँ पे एक एक्सपेंड का ऑप्शन होता है, सीसी में ना ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें एक्सपेंड पहले करना है। हाँ इधर करते हैं, ब्लैक एंड मर्ज लॉक हाइट एडिट मास कलर रेंज फिल्टर कहाँ चला गया, एक्सपेंड का ऑप्शन। Generate, export.